गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर फार्मा क्लास। ये हमारे फार्मा की पहली क्लास है जिसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर फार्मा का पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले भाई फार्मेकोलॉजी क्या होता है, तो फार्मेकोलॉजी वो साइंस है जो डील करती है कि ड्रग आपके लिविंग सिस्टम के पर क्या इफ़ेक्ट डालता है। देखिए, वैसे तो जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ जो टॉपिक्स आते हैं वो मैं चाह रही हूँ कि अपने जब कभी भी क्लास लगेगी अपन उसके अंदर ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हम क्या है कि उन टॉपिक्स, क्योंकि जनरल चीज़ें थोड़ी सी क्लास में समझी जाएँ तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, तो इस वजह से हम ये टॉपिक्स जो हैं क्लास में ही समझें तो ज़्यादा बेटर हैं। तो हम जो फर्स्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसका क्या मतलब है, इसके अलावा हमें जो फार्मा, भाई आप जानते हैं भाई फार्मा में हम क्या पढ़ रहे हैं, ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि ड्रग्स दी जा रही हैं, वो अपना असर दिखा रही होती हैं बॉडी के ऊपर। कब दी जाती है? जब कोई पर्सन बीमार होता है, इंजर्ड होता है, या उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है, बॉडी में कुछ अबनॉर्मेलिटी हो रही होती है, उसकी फिजियोलॉजी सही नहीं चल रही होती, तब हम ड्रग देते हैं। तो जब हम ड्रग देते हैं तो उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम जो फर्स्ट अपनी क्लास ले रहे हैं उसके अंदर हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ही पढ़ रहे हैं कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और हम ड्रग को कौन कौन से रूट्स से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कौन कौन से रास्ते से हम दे सकते हैं शरीर के अंदर। तो अधिकतर जो ड्रग्स होती हैं उनको हम अलग अलग रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और कौन सा रूट हमें सिलेक्ट करना है ये डिपेंड कर रहा होता है ड्रग और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स के ऊपर। तो वो फैक्टर्स जो कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट सेलेक्ट करने में काम आते हैं, वो 6 फैक्टर्स हैं। मैं आपको बोल करके बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग, सेकंड वन इज एमरजेंसी और रूटीन यूज, थर्ड कंडीशन ऑफ द पेशेंट, फोर्थ एज ऑफ द पेशेंट, फिफ्थ एसोसिएटेड डिजीजेस, सिक्स पेशेंट्स डॉक्टर्स चॉइस। सबसे पहले क्या बोला मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग कैसी है, लिक्विड है, सॉलिड है, टैबलेट की फॉर्म में है, कैप्सूल की फॉर्म में है, कोई स्प्रे है, कैसी ड्रग है। तो पहले तो उसका कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ेगा अगर हमें रूट चूज़ करना है। दूसरा, वो ड्रग हम इमरजेंसी में दे रहे हैं या रूटीन यूज़ में। अगर रूटीन यूज़ की ड्रग होती तो हमें ऐसा कभी नहीं होता कि इंजेक्शन से ले रहे हैं, बहुत रेयर ड्रग्स रूटीन यूज़ के जो इंजेक्शन से ली जाती है, अदरवाइज़ हम ओरल रूट से ले रहे होते हैं। तीसरा है पेशेंट की कंडीशन, कंडीशन मतलब भाई पेशेंट होश में है, बेहोशी में है, वॉमिटिंग, डायरिया से सफ़र कर रहा है, ऐसी कोई कंडीशन है तो हम ओरल रूट दे नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है एज ऑफ द पेशेंट, पेशेंट भाई एकदम छोटा बच्चा जो अभी पैदा ही हुआ है तो वो दवाई कैसे खाएगा, टैबलेट कैसे खाएगा, तो एज रोल प्ले कर रही है। फिफ्थ है एसोसिएटेड डिजीज़ के, जिस बीमारी के लिए आया हुआ है उसके साथ में और कौन सी बीमारी उसको हुई हुई है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और लास्ट हमें ध्यान रखना है पेशेंट्स डॉक्टर्स की चॉइस, कि पेशेंट कौन सी रूट चाहता है, डॉक्टर कौन सा रूट चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम रूट्स को सेलेक्ट करते हैं। तो रूट्स क्या है, रूट्स वो रास्ते हैं जिससे आप ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हो पर्सन की बॉडी में। अब इस रूट्स का क्लासिफिकेशन हमारे को पढ़ना है, तो ये देखिए रूट्स का क्लासिफिकेशन, 2 तरह के रूट्स होते हैं, लोकल रूट एंड सिस्टमिक रूट। लोकल रूट का फर्दर क्लासिफिकेशन है टॉपिकल फर्स्ट एंड सेकेंड वन इज इंजेक्शन एट लोकल साइट, जबकि सिस्टमिक रूट को भी हमने इसी तरह से 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया है, फर्स्ट वन इज एंटेरल रूट एंड सेकेंड वन इज पैरेंट्रल रूट। एरेंट्रल और पैरेंट्रल को फर्दर हमने 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया है, जैसे कि एंट्रल रूट में सबसे पहला आता है ओरल, सेकेंड वन इज सबलिंगुअल एंड थर्ड इज रेक्टल रूट। इसी तरह से पैरेंट्रल रूट में भी 3 आते हैं, इन्हेलेशन, इंजेक्शन, ट्रांसडर्मल, इन्हेलेशन, इंजेक्शंस एंड ट्रांसडर्मल। ये मैंने जितने भी नाम लिए हैं अपन आगे इनको डिस्कस करेंगे कि ये क्या रूट हैं, कैसे रूट हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोकल रूट के बारे में। तो सबसे सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग एट द साइट वेयर द डिजायर्ड एक्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब ये सबसे सिंपलेस्ट मोड है ड्रग को देने का उस जगह पर जहाँ पर आप उस ड्रग का एक्शन चाहते हैं।
और दूसरा इस मेथड में सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट सबसे कम होते हैं, क्योंकि आपने तो दिया सिर्फ उसी लोकल जगह पर है जहां आपको ड्रग देनी थी, आपने वहीं दी, तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी कम से कम होगा उस ड्रग का, इसलिए काफ़ी सेफेस्ट रूट है। यहां हमने लिखा है कि इसमें हाई कंसंट्रेशन अटेंड की जाती है उस डिज़ायर्ड साइट पर विदाउट एक्सपोजिंग द रेस्ट ऑफ बॉडी। हमारे को पूरी बॉडी से हमें कोई मतलब नहीं, हम उस ड्रग से एक्सपोज नहीं करवा रहे हैं हमारी बॉडी को, हमने सीधा उस डिज़ायर्ड जगह पर ही उस ड्रग की हाई कंसंट्रेशन को एडमिनिस्टर किया है, तो उस जगह पर किया है, पर्टिकुलर जगह जहां आवश्यकता है, इसलिए हमने इस रूट को लोकल रूट कहा है और इसके सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट भी कम से कम देखे जाते हैं। अब इस लोकल रूट को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं टॉपिकल रूट और इंजेक्शन एट लोकल साइट, या फिर हम सर्टन डीपर एरियाज भी कह सकते हैं, इंजेक्शन एट सर्टन डीपर एरियाज। अब टॉपिकल रूट में क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है कि इसमें ड्रग को अप्लाई किया जाता है स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन की सरफेस पर। लोकलाइज्ड एक्शन के लिए हम वेरियस साइट चूज़ करते हैं, जैसे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, और वहाँ पे डायरेक्ट हम ड्रग को अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल है इसमें, जैसे इनहेल की जाती है सालब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालाइन, ये ड्रग्स हैं, तो ये टॉपिकल रूट्स में आती हैं कि हमने स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे दी। अब ये जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन मैंने बोला है, इनमें भी अब ये कहाँ कहाँ दी जाती है, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है जो लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बोल करके बता रही हूँ, आप उसको सीधा नोट कर लीजिए कि टॉपिकल रूट का फर्दर क्लासिफिकेशन कि भाई कौन कौन सी जगह है। तो उसमें आता है सबसे पहला ओरल कैविटी, सेकेंड वन इज़ GI ट्रैक्ट, थर्ड इज़ रेक्टम एंड एनल कैला, फोर्थ आई, ईयर एंड नोज, फिफ्थ ब्रोंकाई, सिक्स्थ वेजाइना, सेवन्थ यूरिथ्रा में आप दवाई दे सकते हो। ओरल कैविटी में आप सस्पेंशन दे सकते हो, क्रीम दे सकते हो, ऑइंटमेंट और जेली लगा सकते हैं, और स्प्रे के रूप में आप दवाई दे सकते हैं। सस्पेंशन के एग्जांपल में आता है निस्टाटिन, ट्रॉके के रूप में देते हैं, क्लोट्रिमाजोल दिया जाता है ओरल कैंडिडाइसिस के लिए। ओरल में दूसरा आता है क्रीम, जैसे एसाइक्लोविर है, ये हर्पिस के लिए दी जाती है। ऑइंटमेंट और जेली का एग्जाम्पल है 5% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड, टॉपिकल एनेस्थीसिया के रूप में दिया जाता है। और ओरल कैविटी में लास्ट है स्प्रे, जिसमें 10% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड टॉपिकल एनेस्थीसिया के रूप में दिया जाता है। तो ये टॉपिकल रूट जब ओरल कैविटी में अपन यूज़ करते हैं। GI ट्रैक्ट में हम देते हैं तो टैबलेट जो कि एब्जॉर्ब नहीं होती, जैसे नियोमाइसिन दे सकते हैं, ये सर्जरी करने से पहले गट को स्टरलाइज करने के काम आती है। तीसरा रूट है रेक्टम और एनल कैनाल, तो रेक्टम एनल कैनाल में पहला आता है एनीमा, दूसरा आता है सपोजिट्री एनीमा। फिर दो तरह का होता है, इवैक्वेंट एनीमा और रिटेंशन एनीमा। इवैक्वेट बॉवल को खाली करने के काम आ रहा होता है, फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बॉवल, जैसे सोप वाटर एनीमा होता है, इसमें सोप ल्यूब्रिकेंट का काम करती है और वाटर रेक्टम को स्टिम्युलेट करने का काम करता है। दूसरा रिटेंशन एनीमा का एग्जाम्पल है मिथाइल प्रिडनिसोलोन, जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए दिया जाता है। रेक्टम एनल कैनाल में दूसरा था एनीमा के अलावा सपोजिट्री, ये ड्रग सॉलिड फॉर्म में रेक्टम में दी जाती है, जैसे कि बिसाकोडाइल, जो कि बॉवल को इवैक्यूएट करने के काम आती है। फोर्थ है आई, ईयर और नोज में दिया जाते हैं ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट, स्प्रे, इंजेक्शन के लिए, एलर्जी कंडीशंस के लिए दिए जा रहे होते हैं। जेंटामाइसिन आई और ईयर ड्रॉप्स के रूप में काम में ली जा रही होती है। फिफ्थ टॉपिकल रूट में आता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में जैसे इन्हेलेशन अपन देते हैं, जो मैंने अभी भी बोला ना सालब्यूटामॉल, ये ब्रोंकाई में दिया था इन्हेलेशन के रूप में। इसके अलावा आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दी जाती है ब्रोंकियल एस्थमा और COPD के लिए। नेक्स्ट है वेजाइना, वेजाइना में टैबलेट दे सकते हो आप, क्रीम दे सकते हो, पिसारी दे सकते हो, ये वेजाइनल कैंडिडाइसिस के ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाने वाली ड्रग्स हैं। लास्ट है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के अंदर अपन जेली के रूप में, यूरिथ्रा में अपन दवाई दे सकते हैं, इसे लिग्नोकेन दी जाती है। अब इसके अलावा जो टॉपिकल रूट यहाँ पे ख़त्म, टॉपिकल रूट के अंदर मैंने आपको टोटल 7 वो जगह बताई जहाँ पर अपन टॉपिकली ड्रग को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि हम कुछ डीपर एरियाज़ के अंदर सिरिंज या निडल के हेल्प से ड्रग को इंजेक्ट करवा सकते हैं, तो इसलिए उसको हमने कहा इंजेक्शन एट लोकल साइट कह सकते हो, एट सर्टन एरियाज, सर्टन डीपर एरियाज आप कह सकते हो।
वो कौन से एरियाज आते हैं, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन होते हैं, इंट्रा थीकल इंजेक्शन है, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन है। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो है वो जॉइंट्स में दिए जाते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया जाता है। दूसरा है इंट्राथीकल इंजेक्शन। इंट्राथीकल क्या है, ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस पाया जा रहा होता है, इसको इंट्राथीकल इंजेक्शन कहते हैं। जैसे एम्फोटेरिसिन बी जो है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। अगर आपने पढ़ी है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने फर्स्ट ईयर में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है। माइक्रोबायोलॉजी में फंगाई आपके फोर्थ यूनिट में आता है, जहाँ पे ये पढ़ाई जाती है ड्रग के, सिस्टमिक फंगाई के ट्रीटमेंट के लिए अपन एम्फोटेरिसिन बी देते हैं। थर्ड है इंट्रा आर्टीरियल इंजेक्शन, जिसमें आर्टरी में सीधा फाइन आर्टीरियल बेड के अंदर अपन इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये सारे टॉपिकल रूट्स और लोकल साइट्स हैं, जो कि लोकल रूट्स के अंदर आ रही होती हम पढ़ रहे होते हैं। तो लोकल रूट्स यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा रूट था अपना सिस्टमिक रूट्स। तो देखिए सिस्टमिक रूट्स में क्या होता है, अपन ड्रग एंटर जो इस रूट में दी जाती है वो सीधी ब्लड में एंटर होती है और अपना सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको अपन सिस्टमिक रूट कहते हैं। तो क्या होता है इसमें, ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट एंटर द ब्लड एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, के सीधा इस रूट से दी जाने वाली दवाई ब्लड में घुसेगी और अपना सिस्टमिक इफेक्ट दिखाएगी। सिस्टमिक रूट में मैंने आपको बोला कि ये फर्दर क्लासिफाई होता है दो रूट्स में, एंटरल रूट और पैरेंट्रल रूट। एंटरल रूट वो रूट है जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन के आसपास का रूट है, स्टमक इंटेस्टाइन और उसके आसपास का रूट एंट्रल रूट है, और पैरेंट्रल इसके अलावा जो बॉडी का रूट है वो सारा पैरेंट्रल रूट कहलाता है। अब देखिए सबसे पहले एंटेरल रूट की हम बात करते हैं, तो एंट्रल रूट में तीन रूट्स आते हैं, ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल रूट्स। ओरल, सबलिंगुअल एंड रेक्टल रूट्स, इनको अपन और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए ओरल रूट, ये सबसे कॉमन और एक्सेप्टेबल रूट है ड्रग एडमिनिस्टर का। भाई आप जानते हैं अधिकतर दवाइयाँ अपन जो है वो मुंह से ही ले रहे होते हैं, खाने के फॉर्म में ले रहे होते हैं हम दवाई को, इसलिए मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें डोजेस फॉर्म दी जाती हैं ड्रग की, तो कौन सी डोजेस फॉर्म है, टैबलेट, कैप्स्यूल, सिरप, मिक्सचर एट्सेट्रा, ये सारी अपन ओरल रूट्स से दे सकते हैं। अब एग्जांपल ओरल रूट्स के क्या क्या आते हैं भाई, जैसे पैरास्टामोल टैबलेट फॉर फीवर, ओमेप्राजोल कैप्स्यूल फॉर पैप्टिक अल्सर आर गिवन ओरली, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा अब देखें कि भाई क्या इस रूट के फ़ायदे हैं, क्या इस रूट के नुकसान हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला फ़ायदा, सेफ़र, सबसे सेफ़ है, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दर्द नहीं होगा, कोई सुई नहीं चुभेगी, तो सबसे सेफ़र। सबसे चीपर, कोई ख़ास आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, हमें किसी के पास जाकर के इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ती है, पर हमें दवाई लेने के लिए, मुँह से लेने के लिए किसी से हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो चीपर है। पेनलेस, कोई तकलीफ नहीं होती। कन्वीनियंट फॉर रिपीटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज़, अगर आपको लंबे समय तक दवाई लेनी है तो सबसे अच्छा तरीका ओरल रूट है। और कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, आप स्वयं दवाई खुद से ले सकते हैं, किसी के हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं कि भाई ये सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। पर इस फ़ायदे के साथ साथ में इसके नुकसान भी हो रहे हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे भाई पहला तो हमने कहा ना कि सबसे कॉमनली यूज है, पर फिर भी जो अनपैलेटेबल ड्रग्स होती हैं जैसे पैराल्डिहाइड, उनके लिए ये रूट सूटेबल नहीं होता है। कुछ इरिटेबल ड्रग्स जैसे कि एमेटिन, ये नोजिया वॉमिटिंग कॉज कर देती हैं, इसलिए हम ओरल रूट से नहीं दे सकते। कुछ ड्रग्स जो हैं वो डाइजेसिव जूस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जैसे पेनिसिलिन जी एंड सम हार्मोन्स, तो इसलिए हम कभी भी उनको ओरल रूट से नहीं दे सकते। या फिर बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो लिवर और इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, वो बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएंगी, जल्दी मेटाबोलाइज होते ही उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाएगा, तो ऐसी ड्रग्स को भी हम ओरल रूट से नहीं दे सकते, जैसे कि लिडोकेन। कुछ ड्रग्स हैं जो ओरली एब्जॉर्ब बहुत धीरे धीरे होती है, पुअरली एब्जॉर्ब होती है, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, तो ऐसे केस में भी हम ओरल रूट जो है वो नहीं देते।
इसके अलावा ओरल रूट जो है स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाता है, हैंस नॉट यूज इन एमरजेंसी, बहुत धीरे धीरे ऐसा दिखाएगा एमरजेंसी है तो हम ओरल रूट से दवाई नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते, अनकोऑपरेटिव और अनरिलायबल पेशेंट्स को भी नहीं दी जा सकती, एंड पेशेंट्स विद सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया से अगर कोई पेशेंट गुजर रहा है तब भी हम ये दवाई नहीं दे सकते हैं। तो ये ओरल रूट हुआ। अब दूसरा रूट लिखा हुआ है इसके अंदर सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है कि आपको दवाई जो है ड्रग इज प्लेस्ड अंडर टंग, जीभ के नीचे रखनी है, और वी कैन से दैट द प्रिपरेशन इज कैप्ट अंडर द टंग, जीभ के नीचे रखनी है, एंड द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन डायरेक्टली। और जो ड्रग आपने टंग के नीचे रखी वो सीधी एब्जॉर्ब होएगी बकल म्यूकस मेम्ब्रेन से और सीधी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी। मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, लीवर का इसमें रोल ही नहीं है। तो हमने कहा कि ये वो ड्रग्स जैसे जो कि नॉन इरिटेटिंग होती है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है, उन ड्रग्स को हम सब लिंगुअल रूट के थ्रू आसानी से दे सकते हैं। इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता क्योंकि लीवर को बाईपास करते हुए निकलती हैं और इसको हम एमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से ड्रग्स को काम में ले सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन एक्यूट एंजाइनल अटैक के अंदर दी जा रही होती है, ब्यूप्रेनॉर्फिन जो है वो MI के लिए दी जाती है, आइसोसॉर्बी डैडी नाइट्रेट, क्लोनाइडेन, फेंटानिल, ये सब की सब जो ड्रग्स हैं वो अपन सबलिंगुअल रूट से दे सकते हैं। अब सबलिंगुअल के भी थोड़े से अपन फ़ायदे और नुकसान पढ़ लें। तो सबसे पहले एडवांटेज सबलिंगुअल रूट का क्या होता है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत असर दिखाएगी, जैसे ही आप लेंगे जीभ के नीचे रखेंगे और आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप टैबलेट को थूक देते हैं तो उसका एक्शन ख़त्म हो जाएगा, मीन्स एक्शन कैन बी टर्मिनेटेड बाय स्पिटिंग आउट द टैबलेट। थर्ड वन, बाईपासस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये लिखी हुई है लाइन के भाई ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करते हुए निकलती है तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। एंड फोर्थ वन, दैट यू कैन सेल्फ एडमिनिस्टर द ड्रग, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, आप खुद से ले सकते हैं दवाई, जीभ के नीचे ही तो रखनी है। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई, सो दिस रूट इज नॉट सूटेबल फॉर इरिटेंट एंड लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स एंड ड्रग्स विद बैड स्मेल एंड टेस्ट एंड फॉर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को अपन ऐसी दवाई नहीं दे सकते। ऐसी ड्रग्स जिसकी स्मेल और टेस्ट बहुत ख़राब होता है उसमें ये सबलिंगुअल काम में नहीं ले सकते, और इरिटेंट जो होती हैं बहुत इरिटेशन कॉज करती है, और लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स होती है उनमें भी अपन ये रूट काम में नहीं ले सकते हैं। तो अब इसके बाद अपन चलते हैं एंट्रल रूट में, नेक्स्ट कौन सा एंट्रल रूट है, क्योंकि पहला तो ओरल रूट हो गया हमारा, दूसरा एंट्रल रूट है बक्कल रूट। इसमें डोजेस अपन देते हैं गम्स और इनर लाइनिंग ऑफ चीक के अंदर, और ये भी फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड करता है, ये बक्कल रूट है। नेक्स्ट आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में ड्रग्स जो है वो सॉलिड या लिक्विड दोनों फॉर्म में दी जा सकती है, ड्रग्स कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड, जनरली ये सपोजिटरी और एनीमा के रूप में दी जाती है। इसकी दो, रेक्टल रूट का फर्दर क्लासिफिकेशन है सपोजिटरी एंड एनीमा, ये दो ड्रग्स हैं। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, ड्रग्स दैट एडमिनिस्टर रेक्टली एज सपोजिटरी, रेक्टम में एक तो सपोजिटरी देंगे, इसकी खासियत ये भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को लगभग 50% तक अवॉइड कर देता है, और वॉमिटिंग और अनकॉन्शियस पेशेंट को अपन ये आसानी से दे सकते हैं। सपोजिटरी जो होती है लोकल टॉपिकल इफेक्ट भी दिखा रही होती है, जैसा हमने अभी थोड़े समय पहले पढ़ा था, और इसके अलावा ये सिस्टमिक इफेक्ट भी दिखाती है। सपोजिटरी के एग्जांपल है इंडोमिथासिन सपोजिटरी जो कि RA में दी जाती है। दूसरा एनीमा, हमने कहा रिटेंशन एनीमा जो है वो लोकल इफेक्ट के लिए और सिस्टमिक इफेक्ट दोनों के लिए काम में लिया जाता है। इसमें ड्रग रेक्टल म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होगी और सिस्टमिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगी, जैसे डाइजापाम
फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस इन चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में ये दी जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसी का एग्जांपल लिखा हुआ है, डाइजापाम इन चिल्ड्रन फॉर फेब्राइल सीजर, बच्चों को जो दौरे पड़ रहे होते हैं उसमें अपन डाइजापाम देते हैं। तो डाइजापाम रिटेंशन एनीमा की कैटेगरी के अंदर आता है जो रेक्टल रूट से दिया जा रहा होता है। तो ये आपका लोकल रेक्टल रूट हो गया। तो यहाँ पर आपका पैरेंटल रूट जो है, एंट्रल रूट जो है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पैरेंटल रूट, जिसको अपन पढ़ेंगे। तो ये पैरेंटल रूट, पैरेंटल रूट क्या है? रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अदर देन एंट्रल रूट आर कॉल्ड पैरेंटल रूट। भाई जो अपन एंट्रल से नहीं दे पा रहे हैं, एंट्रल मैंने कहा स्टमक, इंटेस्टाइन और उसके आसपास का एरिया, तो जो हम एंट्रल से नहीं दे पा रहे हैं वो हम पैरेंट्रल से देंगे। अब पैरेंट्रल का अपन फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ें, उससे पहले अपन थोड़े से इस पैरेंट्रल रूट के फ़ायदे नुकसान पढ़ लें, फिर ये इनहेलेशन ट्रांसडर्मल पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़े फ़ायदे नुकसान बता रही हूँ पैरेंट्रल रूट के। तो पैरेंट्रल रूट रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इट हैज़ अ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, हैंस इज सूटेबल फॉर एमरजेंसी। अगर बहुत एमरजेंसी है तो आप ये रूट चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तुरंत अपना असर दिखाता है। दूसरा, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए अपन ये रूट काम में ले सकते हैं, अनकोऑपरेटिव अनरिलायबल पेशेंट्स के लिए ले सकते हैं, पेशेंट्स जिनको वॉमिटिंग डायरिया हो रहा हो उनके लिए काम में ले सकते हैं। ये सूटेबल है इरिटेंट ड्रग के लिए, ड्रग विद हाई फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, ड्रग्स दैट आर नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली, ड्रग्स डेस्ट्रॉयड बाय डाइजेसिव जूसेस। जो डाइजेसिव जूसेस डेस्ट्रॉय हो सकती है, जिसको ओरली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तेजी से होता है, या जो बहुत इरिटेटिव नेचर की ड्रग्स होती हैं उनके लिए सबसे अच्छा रूट पैरेंटल रूट होता है। पैरेंटल में जितने भी रूट्स आ रहे हैं उनके ये कॉमन एडवांटेजेस हैं। अनकॉन्शियस बेहोशी में आप दे सकते हो, जो पेशेंट कॉपरेट नहीं करते, भरोसेमंद नहीं होते, उनको आप ये रूट दे सकते हो, और वॉमिटिंग डायरिया वाले पेशेंट के लिए आप ये रूट काम में ले सकते हैं। अब इस रूट के नुकसान क्या क्या हैं भाई? तो सबसे पहले एसेप्टिक कंडीशन का हमें ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो वो बीमारी से नहीं मरेगा, हमारे असावधानी से पेशेंट मर जाएगा। इसलिए पहले एसेप्टिक कंडीशन इसमें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। जो प्रिपरेशन आप काम में ले रहे हो वो स्टेराइल होनी चाहिए, स्टेराइल होती है एक्चुअली, और एक्सपेंसिव काफ़ी महंगी पड़ती है, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता ये ले पाना। इसके अलावा इन्वेजिव टेक्निक आपको काम में लेनी पड़ती है, सुइयाँ चुबानी पड़ रही है आपको, वेन ढूंढनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है और पेनफुल पड़ता है। खुद से पर्सन नहीं ले सकता, कैन नॉट बी यूजुअली सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, एंड लास्ट कैन कॉज लोकल टिश्यू इंजरी टू नर्व्स वेसल्स एट्सेट्रा। अगर आपने सावधानी से नहीं लगाई तो हो सकता है लोकल टिश्यू में ये इंजरी कर दे, जैसे नर्व्स और वेसल्स के अंदर। अब पैरेंटल रूट में मैंने कहा भाई इन्हेलेशन आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, ट्रांसडर्मल रूट आता है। तो सबसे पहले इन्हेलेशन को हम पढ़ रहे हैं। इन्हेलेशन में क्या होता है, कौन सी ड्रग्स? वो जो लिक्विड्स और गैसेस होती है उनको सिस्टमिक इफेक्ट के लिए इन्हेल किया जाता है। सो वोलेटाइल लिक्विड्स एंड गैसेस आर गिवन बाई इन्हेलेशन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट्स, एग्जाम्पल जनरल एनेस्थेटिक्स। तो इसमें अपन अब इन्हेलेशन में एक तो रेट ऑफ ड्रग डिलीवरी जो है आप कंट्रोल कर सकते हो, आईवी इन्फ्यूज़न जैसे होता है तो उसमें आप कंट्रोल कर सकते हो, जितनी इन्हेल करनी है उतनी करिए, नहीं करनी है मत करिए। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स अपन दे सकते हैं, जैसे एस्थमा के लिए सालब्यूटामॉल, आइप्राट्रोपियम, तो ये ड्रग्स दे सकते हैं, कुछ स्टीरॉइड्स वगैरह भी दे सकते हैं। इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक्स जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह अपन दे सकते हैं इन्हेलेशन रूट से। अब इन्हेलेशन रूट के फ़ायदे नुकसान क्या हैं? तो फ़ायदे में सबसे पहला एडवांटेज, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत असर दिखाएगी। दूसरा, अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड कैन बी रेगुलेटेड, आप चाहें उसको रेगुलेट कर सकते हैं, कम लेना है ज़्यादा लेना है। डिसएडवांटेज क्या है, लोकल इरिटेशन में कॉज इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सीक्रीशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म। इसमें लोकल इरिटेशन होती है जिससे कि नाक बहनी स्टार्ट हो जाती है और हो सकता है ब्रोंकाई सिकुड़ जाए, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है पर्सन को। तो ये इन्हेलेशन के फ़ायदे नुकसान। अब दूसरा है ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट में देखिए आप क्या होता है, ट्रांसडर्मल रूट को में एक्चुअली एडहेसिव पैचेस भी अपन काम में ले रहे होते हैं। द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैचेस दैट डिलीवर द ड्रग इनटू द सर्कुलेशन फॉर सिस्टमिक इफेक्ट।
ड्रग को पैचेस के रूप में दे रहे हैं ताकि वो अपना सिस्टमिक इफेक्ट दिखा सके, जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना कि इसमें यूज़ किया जाता है उन ड्रग्स के लिए जो कि हाईली लिपिड सॉल्युबल होती है और स्किन से ये एब्जॉर्ब हो सकती है। ड्रग को अपने पैच के रूप में स्किन के ऊपर पैचेस लगाए जा रहे होते हैं और फिर ये धीरे धीरे ड्रग डिलीवर होकर के सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है और अपना सिस्टमिक इफेक्ट दिखाती है। ये ट्रांसडर्मल रूट होता है। इसके बाद इस ट्रांसडर्मल रूट में एक्चुअली हम कौन कौन सी ड्रग्स दे रहे हैं, जैसे कि स्कोपोलामीन साइलोरिया और मोशन सिकनेस के लिए दिया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन आप एंजाइना के लिए देते हैं, एस्ट्रोजन आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी एचआरटी के लिए दे रहे होते हैं, फेंटानिल आप एनल्जीसिया के रूप में दे रहे होते हैं। ये ड्रग्स इसके अंदर आती हैं। अब यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल दे रखा है कि एक तो क्या करता है इसकी वजह से, एक तो लोकल इरिटेशन, क्योंकि ये पैच के रूप में चिपकानी है आपको, तो ये लोकल इरिटेशन और एरिदमा कॉज कर सकता है, जहाँ पर जिस जगह पर आप दे रहे हो उस जगह पर ये लोकल इरिटेशन और एरिदमा कॉज कर देंगे। अब कौन कौन से पैचेस हमारे पास अवेलेबल है, तो मैंने अभी जो ड्रग्स के नाम लिए वो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के रूप में दिया हुआ है कि निकोटिन पैच स्मोकिंग को रोकने के लिए दिया जाता है, हायोसिन पैच जो है मोशन सिकनेस के लिए ईयर पिन्ना के पीछे लगाया जा रहा होता है, नाइट्रोग्लिसरीन पैच एंजाइना पेक्टोरिस सीने में अगर दर्द हो गया है, फेंटानिल पैच जो है ओपियोइड टॉलरेंट पेशेंट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है तो ये फेंटानिल पैच दिए जाते हैं, कि आप एकदम से किसे नशा छुड़वा रहे हो तो वो ऐसे तड़पने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनमें आप ये काम में ले सकते हो। अब ट्रांसडर्मल रूट के फ़ायदे नुकसान पढ़ लेते हैं भाई। एडवांटेज क्या है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल, क्योंकि चिपकाना है खुद से चिपका लीजिए। दूसरा, पेशेंट कंप्लायंस इज़ बेटर, काफ़ी फ़ायदा मिलता है पेशेंट को। थर्ड, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज़ प्रोलॉन्ग, लंबे समय तक असर दिखाता है क्योंकि धीरे धीरे इसमें से ड्रग निकलती है और बॉडी में जाती है। फोर्थ, सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स आर रिड्यूस, क्योंकि लोकल जगह पर लगा है तो ज़्यादा इसका सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं होता है। एंड फिफ्थ, प्रोवाइड्स अ कॉन्स्टेंट प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द ड्रग, ड्रग की कॉन्स्टेंट प्लाज्मा कंसनट्रेशन ये प्रोवाइड करते हैं, लगातार आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि ड्रग खत्म हो गई अब हम लेना भूल गए, नहीं, ये धीरे धीरे निकलता जाएगा आपके प्लाज्मा में आता जाएगा। ट्रांसडर्मल पैच है जिसमें आप एक पैच के रूप में अपनी स्किन के ऊपर ये चिपकाते हैं, ट्रांसडर्मल रूट में जो ड्रग्स आती हैं। डिसएडवांटेज क्या है, काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है, लोकल इरिटेशन कॉज कर देता है जैसे डर्मेटाइटिस और इचिंग, और थर्ड, पैच जो है कई बार अपने आप गिर जाता और हमारे को पता नहीं चलता, पैच में फॉल ऑफ अननोटिस्ड, आपको पता भी नहीं चलता और पैच गिर जाता है, तो ये नुकसान है ट्रांसडर्मल रूट के। तो यहाँ पे ट्रांसडर्मल रूट आपका ख़त्म। अब लास्ट, पेरेंटल रूट के अंदर जो रूट आता है वो है इंजेक्शंस या इंजेक्टेबल्स। तो इंजेक्शंस आप जानते हो चार तरह के होते हैं, आई वी, आई एम, एस सी, आई डी, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल, ये चार रूट्स हैं। इंट्रावीनस जो सबसे पहले दिया हुआ है, ये ड्रग्स, इसमें ड्रग्स को जो है वेन में सीधा इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए 100% ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। इसमें जो ड्रग्स आप दे रहे हो वो बोलस के रूप में दे सकते हो, स्लो इंट्रावीनस इंजेक्शन के रूप में दे सकते हो, और थर्ड, इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न के रूप में दे सकते हो। तीन तरह से आप ड्रग्स दे सकते हो, बोलस के रूप में जो कि सिंगल रिलेटिवली लार्ज डोज ऑफ ड्रग इंजेक्ट की जाती है रैपिडली या स्लोली एज अ सिंगल यूनिट इनटू अ वेन, वेन में सिंगल यूनिट के रूप में धीरे धीरे तेज़ी से अपन लार्ज सिंगल लार्ज डोज अपन दे रहे होते हैं, जैसे कि रैनिटिडिन दी जाती है ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर के अंदर। दूसरा, मैंने कहा स्लो इंट्रावीनस इंजेक्शंस में जैसे मॉर्फिन दी जाती है एमआई के लिए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए। थर्ड, इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न में डोपामिन दिया जाता है कार्डियोजेनिक शॉक के लिए। अब फ़ायदा इंट्रावीनस का तो हमने बोल दिया, 100% बायो अवेलेबिलिटी है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूड कैन बी एडमिनिस्टर्ड, हाईली इरिटेंट ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन कैन बी इन्फ्यूज्ड बाय आईवी रूट, और इससे हम कांस्टेंट ब्लड प्लाज्मा जो ड्रग का है प्लाज्मा लेवल भी कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सब इसके फ़ायदे। नुकसान क्या है, लोकल इरिटेशन से फ्लिबाइटिस हो सकता है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जनरली पॉसिबल नहीं होता, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस की आवश्यकता पड़ती है, एक्स्ट्रा वासेशन कुछ ड्रग्स का हो जाता है जिसमें इंजरी, नेक्रोसिस हो जाता है, टिश्यू की स्लफिंग हो जाती है,
और लास्ट डिपो प्रिपरेशन जो है वो अपन आईवी रूट से नहीं दे सकते हैं। अब एक चीज़ कि आईवी रूट देते समय हमारे को कुछ प्रिकॉशंस रखनी होती हैं, जैसे कि ड्रग को हमेशा स्लोली इंजेक्ट करना चाहिए और इंजेक्शन से पहले आपको श्योर होना चाहिए कि जो निडल की टिप है वो वेन में जा चुकी है, फिर आप दवाई दीजिए, इंजेक्ट करिए। तो ये इंट्रावीनस रूट। दूसरा रूट है इंट्रा मस्क्यूलर रूट यानी IM। इंट्रामस्कुलर में ड्रग्स को मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है, जैसे ग्लूटियस मैक्सिमस में दे सकते हो, ग्लूटियस मिनिमस में, वास्टस लेटरलिस के अंदर, डेल्टॉइड मसल के अंदर दे सकते हो। दवाइयाँ कौन कौन सी, जैसे पैरास्टामोल, डाइक्लोफेनिक, ये सब दिया जाता है। तो इसमें इंजेक्शंस स्केलेटल मसल्स में लगते हैं, किस किस में, ग्लूटियस मैक्सिमस, डेल्टॉइड, रेक्टस, फीमोरस मसल्स वगैरह में। मैक्सिमम वॉल्यूम केवल 10 ml तक ही आप दे सकते हो, ज़्यादा नहीं दे पाओगे। 10 ml वैसे बहुत ज़्यादा होता है, सफिशेंट होता है। ये डीपो प्रिपरेशन के लिए सूटेबल है, ऑयली व्हीकल के रूप में अपन डीपो प्रिपरेशन इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होगा ओरल रूट के कंपैरिजन में, और माइल्ड इरिटेंट्स, डीपो इंजेक्शन मैं बोल चुकी हूँ, सॉल्युबल सबस्टांसेस और सस्पेंशन इस रूट से आप दे सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है इस रूट के, एसेप्टिक कंडीशन की ज़रूरत होती है, IM काफ़ी पेनफुल होता है, हो सकता है उसकी वजह से एब्सेस हो जाए, एब्सेस मतलब पस पड़ जाए उस जगह पे। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है हर किसी से, और नर्व में इंजरी होने का डर भी रहता है। ये इंट्रामस्क्यूलर रूट है। नेक्स्ट है इंट्रावीनस रूट। इसमें सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट में ड्रग को आप इंजेक्ट करते हैं सीधा सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जो थाई, एब्डोमेन, आर्म वगैरह में पाए जा रहे होते हैं, तो उनमें आप इंजेक्ट करते हैं। तो क्या बोला मैंने, द ड्रग इज़ इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यूज ऑफ द थाई, एब्डोमेन, आर्म एटसेट्रा, जैसे कि एड्रीनालिन, इंसुलिन एटसेट्रा। अ डिवाइस डर्मोजेट इज यूज्ड फॉर SC इंजेक्शन। SC के लिए आप डर्मोजेट डिवाइस काम में ले रहे होते हो। मैक्सिमम वॉल्यूम इसका 2 ml तक होता है और सबक्यूटेनियस रूट से आप दवाई दे देते हो। अब सबक्यूटेनियस के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, खुद से इंजेक्शन लगा सकते हो, जैसे इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, लोग लगाते हैं, खुद लगाते हैं। दूसरा, डिपो प्रिपरेशन को भी आप सबक्यूटेनियस रूट से इंसर्ट कर सकते हो, जैसे नॉर प्लांट दिया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। डिसएडवांटेज क्या है भाई, नॉन इरिटेंट ड्रग्स के लिए सूटेबल नहीं है और ड्रग एब्जॉर्प्शन इसमें काफ़ी स्लो होता है, इसलिए एमरजेंसी में अपन SC काम में नहीं लेते हैं। लास्ट रूट है इंट्राडर्मल रूट। इंट्राडर्मल में द ड्रग इज़ इंजेक्टेड इनटू द लेयर्स ऑफ द स्किन। स्किन की सीधी लेयर में इंजेक्ट करते हो, जैसे BCG वैक्सीनेशन अपन अपर आर्म पे देते हैं, टेस्ट डोज दे रहे होते हैं वेंट्रल आस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे। ये काफ़ी पेनफुल होता है और इसमें स्मॉल अमाउंट का ही ड्रग जो है आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो मैक्सिमम वॉल्यूम इसमें 0.1 ml है, मैंने कहा ना स्मॉल अमाउंट में है, तो 0.1 ml तक ड्रग आप दे सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, BCG वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, टीबी टेस्टिंग मतलब मेंटॉक्स टेस्ट, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ये, और लास्ट सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए ये रूट अपन काम में लेते हैं। तो इस रूट्स के साथ में आपका ये रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन नाम का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा कुछ स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जैसे एक ऑक्यूसर्ट है, प्रोजेस्टासर्ट है, लाइपोसोम्स है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, ये भी काम में लेते हैं, पर ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो कॉमन थे वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। वैसे तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो चीज़ नहीं लिखी वो मैंने आपको बोल के बताई, आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे ईमेल के थ्रू दे सकते हैं, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे हूँ नहीं। आपके CR के पास मेरे नंबर चले जाएंगे, आप उसे ईमेल कर दें, और या आप उसे व्हाट्सएप कर दें, वो मुझे ईमेल कर देगा। तो आप मुझसे कोई भी डाउट इस टॉपिक के रिगार्डिंग हो तो आप पूछ सकते हैं। आज अपना ये फर्स्ट टॉपिक था जो यहाँ ख़त्म हो चुका है।